पूरे वर्ल्ड में मोर देन वन नाइन्टीज कंट्रीज हैं तो जब कोई मार्केटिंग कंपनी इन सभी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर प्रमोट करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं ग्लोबल मार्केटिंग कहते हैं मार्केटिंग ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल यानी कि जब पूरे वर्ल्ड वाइड स्केल पर जो है आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है ग्लोबल मार्केटिंग कहा जाता है आपने कोका कोला सोनी बी एमडब्ब्ल्यू आई बी एम गूगल ये आपने देखा होगा यह क्या है सभी कंट्रीज में आपको जो है इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो इसी को कहते हैं ग्लोबल मार्केटिंग तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड प्रमोटिंग ग्लोबली मार्केटिंग में क्या होता है भाई मार्केटिंग में आप यह तो करते हैं कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उसकी नीड को फुलफिल करते हैं उसमें फोर पी होता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन यानी कि प्रोडक्ट के लिए क्या प्रोडक्ट बनाना है वो प्लान करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्राइसिंग करते हैं उसको प्रमोट करते हैं तो वही चीज जब आप इंटरनेशनल की नेशनल लेवल पर ना करके बल्कि ग्लोबली करते हैं पूरे सभी कंट्रीज में करने की कोशिश करते हैं तो वही चीज क्या कहलाता है ग्लोबल मार्केटिंग कहलाता है तो कंसिडरिंग होल वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट प्लेस तो यहां पर क्या होता है कि जो ग्लोबल मार्केटिंग करते है कंपनीज वो पूरे वर्ल्ड को क्या करती है एक सिंगल मार्केट की तरह समझती है और सभी जगह पे वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं लॉन्च करती हैं डिस्ट्रीब्यूट करती हैं क्लियर तो सेम मार्केटिंग मिक्स स्नियरली होता है क्या पे थ्रू आउट द वर्ल्ड तो जितने पूरे वर्ल्ड में इनका जो है सेम मार्केटिंग मिक्स को ये तकरीबन फॉलो करती हैं तो कोका कोला सोनी बीएमडब्ल्यू आईवीएम गूगल ये सब क्या है आप इनको देखेंगे तो ये आ, सब के सब क्या है ग्लोबल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं ग्लोबली जो है अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो मार्केटिंग कंपनीज जो ग्लोबली जो, जो है वर्ल्ड वाइड स्केल पे अपनी मार्केटिंग करती हैं उनको हम क्या कहते हैं ग्लोबल फर्म कहते हैं तो ये ग्लोबल फर्म ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री क्लियर तो जो भी ग्लोबल फर्म होती है वो क्या करती हैं एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को अपने डिस्ट्रीब्यूशन को अपने प्रमोशन को ऑपरेट करती हैं यहाँ पर एक चीज़ भी ध्यान देनी है कि जब अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करेंगे तो बट टॉप है कि वहाँ के रिसोर्सेज को भी वो यूज़ करेंगे तो कैप्चर्स आर इंडिया यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन लॉजिटिक मार्केटिंग फिनांशियल एडवांटेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज तो अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करिए तो अलग अलग कंट्रीज के रिसोर्सेज को भी वो क्या करेंगे यूज करेंगे तो, उसका एडवांटेज इनको मिलता है और ग्लोबल फर्म प्लान ऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज ऑन ए वर्ल्ड वाइड बेसिस यानी कि जो ग्लोबल फर्म होती हैं वो उनकी जो प्लानिंग होती है उनका जो ऑपरेशन होता है फिर जो उनका कोऑर्डिनेशन होता है वो वर्ल्ड वाइड बेसिस को ध्यान में रखे होता है ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए तो इंडिया के लिए करें नहीं अगर जो भी प्लानिंग करेंगे जो भी करेंगे तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग वो जो है प्लान करते हैं ऑपरेट करते हैं कॉर्डिनेट करते हैं तो जो कंपनीज़ ग्लोबल मार्केटिंग करती हैं उनको अलग अलग कंट्रीज़ में जाना होता है अब अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो उनको बट ऑब बात है कि अलग अलग इन्वायमेंट भी वहाँ पे मिलेंगे तो जिसको हम ग्लोबल मार्केटिंग इन्वायमेंट भी कहते हैं तो जैसे पॉलिटिकल इवायॉवमेंट इंडिया का पॉलिटिक्स अलग है अमेरिका की पॉलिटिक्स अलग है रशियन की पॉलिटिक्स अलग है चाइना की पॉलिटिक्स अलग है तो अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे तो अलग अलग इन्वायमेंट आपको मिलेगा और उसको आपको डील करना पड़ेगा कंपनीज़ को लीगल इन्वायमेंट इंडिया के लॉज अलग हैं अमेरिका के लॉज अलग हैं दूसरे कंट्रीज़ के लॉज अलग हैं तो आपको जो है लीगल इन्वायमेंट भी वहां आपको फेस करना पड़ता है ग्लोबल कंपनीज को सोशल एंड कल्चर इन्वॉर्वमेंट सोसाइटी और उनका कल्चर इंडिया का कल्चर अलग है वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर आपने देखा होगा ठीक है तो ये क्या है ये अलग अलग कल्चर्स होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग सोसाइटी होती है उनके कंज्यूमर के बिहेवियर होते हैं होते हैं तो उसको भी जो है उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपने प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है टेक्नोलॉजिकल इन्वॉर्वमेंट टेक्नोलॉजी कहीं पर है कहीं पर नहीं है कहीं पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहीं पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो इसका भी जो है आपको एडवांटेज एडवांटेज डिस डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं आपको उठाना पड़ता है इकोनॉमिक इन्वॉर्मेंट कोई कंट्रीज की अपनी किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है वहीं पर कॉम्पिटिटिव इन्वॉर्यमेंट भाई इंडिया की कोई कंपनी है वो अमेरिका में जाएगी तो वहाँ पर बट ऑफ ज्यादा कॉम्पिटिशन उसको ज़्यादा झेलने को मिलेगा क्योंकि क्योंकि अमेरिका जो है एडवांस्ड देवल है लेकिन वहीं पर वेल डेवलप्ड है वहीं पर अगर अमेरिका की कोई कंपनी यहाँ पर इंडिया में आके बिजनेस करती है तो बेटर ऑफिस ज्यादा कहीं ना कहीं उसको लेस कॉम्पिटी मिलेगा एज पर टू अमेरिकन कॉम्पिटिटर्स क्लियर तो कॉम्पिटिटिव इन्वॉयमेंट यानी कि अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो अलग अलग कंपटीशन लेवल आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा तो मार्क ग्लोबल मार्केटिंग इन्वॉर्मेंट मीन्स कहने का मतलब यही है कि यहां पे आपको हर कंट्री की अब बात कर लें ग्लोबल फोर पीज ऑफ मार्केटिंग है लेकिन यहां पर हो रही है कि अलग अलग कंट्रीज में आप जा रहे हैं तो अलग अलग इन्वॉर्यमेंट मिलेगा तो उसके प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में क्या होगा चेंज होगा तो ग्लोबल फोर पीज ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहले हम ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रेजी देखें तो प्रोडक्ट स्ट्रेजी क्या हो सकता है देखिए दो ही चीज है या तो आप प्रोडक्ट को स्टैंडाइज कर दें यानी कि आप जो है एक प्रोडक्ट बनाए वही सभी कंट्रीज में आप सेल करें या फिर आप अलग अलग कंट्री के जो कस्टमर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट डेवलप करें उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च करें जैसे कि आप मैगडी को देखिए तो वहाँ पर हेमबर्गर बनाते हैं कहीं पर तो यहाँ पर इंडिया में जो है वो आ, आलू टिक्की दे रहे हैं या फिर जो है नॉनवेज वाली टिक्की दे रहे हैं तो अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट एडाप्टेशन क्लियर तो प्रोडक्ट स्टैंडाइजेशन करें या फिर प्रोडक्ट एडाप्टेशन करें प्रोडक्ट स्टैंडाइजेशन में क्या हो जाता है कि वो ग्लोबली जो है एक प्रोडक्ट जो है सभी कंट्रीज में सेल करते हैं प्रोडक्ट क्रॉस बॉर्डर विदाउट एडप्टेशन यानी कि अपना ही प्रोडक्ट सभी जगह बेच रहे हैं बिना किसी अडोप्टेशन के कि, बिना किसी चेंज के जैसे कि आप गूगल ईबे अमेजोन इनको देख सकते हैं ये सब क्या है नॉमली इनका सेम प्रोसेस रहता है वहीं पर दूसरा मेथड क्या है प्रोडक्ट एडाप्टेशन स्ट्रेटजी तो वारन कीगन है जिन्होंने फाइव प्रोडक्ट कम्युनिकेशन एडाप्टेशन स्ट्रेटजी जो उन्होंने बताया तो सबसे पहले आता है स्टेट एक्सटेंशन स्टेट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द फॉरन मार्केट विदाउट एनी चेंज यानी कि बिना किसी चेंज किए कुछ भी चेंज किए अपने प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में लॉन्च कर क्लियर दूसरा है प्रोडक्ट एडाप्टेशन प्रोडक्ट एडाप्टेशन में क्या है कि यहां पे क्या कहते हैं कि एल्टर द प्रोडक्ट टू मीट लोकल कंडीशन प्रिफरेंस यानी कि यहां पे क्या हो गया कि अपने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव करिए जिससे कि जिस कंट्री में आप डिलीवर करने जा रहे हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट हो क्लियर वहीं पे तीसरा है प्रोडक्ट इन्वेंशन तो प्रोडक्ट इन्वेंशन का मतलब यहाँ पे कुछ नया बना दीजिए प्रोडक्ट इन्वेंशन मतलब कि आप सपोज करिए आप अमेरिका की कंपनी है इंडिया में जा रहे हैं सर्विस करने इंडिया में जा रहे हैं बिजनेस करने तो आप इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट बना दीजिए जो आप बनाते थे उससे मतलब नहीं आप कोई जाकर वहाँ पर नया बना दीजिए तो इसमें दो तरीके का है एक बैकवर्ड इन्वेंशन होता है एक होता है फॉरवर्ड इन्वेंशन बैकवर्ड इन्वेंशन का मतलब क्या हो गया कि आपने पहले कोई प्रोडक्ट बनाते थे उसी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया आपने क्लियर वहीं पर फॉरवर्ड इन्वेंशन में क्या हो गया कि आप कुछ नया बना रहे हैं क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट टू मीट अ नीड इन अनदर कंट्री Clear, किसी दूसरी कंट्री में नई नीट को मीट करने के लिए आपने प्रोडक्ट बना दिया तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इन्वेंशन क्लियर तो ये प्रोडक्ट एडाप्टेशन हो गया तो ग्लोबल फोर पी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में ग्लोबल फोर पी ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो वहाँ पे दो स्ट्रेटजी हो सकती है या तो प्रोडक्ट स्टैंडाइज कर दीजिए एक ही प्रोडक्ट सभी जगह बेचिए या फिर प्रोडक्ट एडापशन स्ट्रेटजी बताइए जहाँ पे आप जो है अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्रोडक्ट जो है वहाँ पर आप बना के उसको डिलीवर कर रहे हैं क्लियर नेक्स्ट आता है ग्लोबल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी यानी कि प्रमोशन वाली बात हो गई फोर पी में पी तो प्रमोशन स्ट्रेटजी यहाँ पर सिंपल सा तरीका है या तो आप जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज होती हैं अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है तो यहाँ पे आपको एडाप्टेशन ही लगाना होता है तो चेंजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन फॉर ईच लोकल मार्केट इज ए प्रोसेस कॉल्ड कम्युनिकेशन एडाप्टेशन अब आप इंडिया में ही देख लीजिए इंडिया में साउथ साइड में चलिए तो वहां पर एडवर्टीजमेंट जो है दूसरे लैंग्वेज में आता है नॉर्थ में आ जाए तो दूसरे लैंग्वेज में आता है फॉरन में चलिए तो वहाँ पर इंग्लिश में आएगा तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आपको जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन एडाप्टेशन इफ इट एडॉप्ट बोथ द प्रोडक्ट एंड द कम्युनिकेशन द कंपनी इंगेज इन डोल अडाप्टेशन अब भाई आपने प्रोडक्ट भी अडाप्ट कर लिया यानी कि अलग कंट्रीज में गए उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट बना दिए और कम्युनिकेशन भी उसके अकॉर्डिंग कर दिया तो इसको क्या कहेंगे डुअल एडाप्टेशन वहीं पर अगर आपने प्रोडक्ट स्टैंडाइज कर दिया यानी कि एक ही प्रोडक्ट सभी कंट्रीज में बेच रहे हैं लेकिन सिर्फ आपने कम्युनिकेशन अडाप्टेशन किया तो वो सिंगल एडाप्टेशन हुआ यानी कि कम्युनिकेशन एडाप्टेशन हुआ तो डुअल एडाप्टेशन मतलब कि प्रोडक्ट भी आपने अडाप्ट कर लिया तो उसे करने के अकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन भी उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपने कर लिया तो इसको कहते हैं डुअल एडाप्टेशन क्लियर तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में आपको अडॉप्ट करना ही पड़ता है क्यों क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है लैंग्वेज होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसके लिए आपको जो कम्युनिकेशन एडाप्टेशन करना ही होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टर्डाइज नहीं कर सकते हैं क्लियर वहीं पर नेक्स्ट है ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी तो प्रोडक्ट हो गया प्रमोशन हो गया अब आता है प्राइसिंग तो प्राइसिंग कैसे करना है तो प्राइसिंग यहाँ पे ग्लोबल में नॉर्मली एक वो आता है मेथड इज प्राइस एस्केलेशन प्राइस एस्केलेशन में क्या होता है कि तीन तरीके होते हैं सेट अ यूनिफॉर्म प्राइस एवरीवेयर यानी कि हर जगह सेम प्राइस रखिए आप ठीक है जितना डॉलर होता है उतने डॉलर में आप जो है इंडिया में उतने का ही रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करके रख दीजिए तो सेट आ यूनिफॉर्म प्राइस एवरीवेयर हर कंट्री में एक जैसा प्राइस रखिए या फिर सेट अ मार्केट बेस्ड प्राइस इन ईच कंट्री यानी कि जिस कंट्री का मार्केट जैसा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अपनी प्राइसिंग को रखिए या फिर सेट एक कॉस्ट बेस्ड प्राइस इन इस कंट्री यानी कि जिस कंट्री में प्रोडक्ट को डिलीवर करने में प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी कॉस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री में प्राइस को फिक्स कर दीजिए तो दैट इज़ प्राइस एस्केलेशन तो ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेजी में तीन मेथड जो है यूज़ किया जा सकते हैं या तो यूनिफॉर्म प्राइस रखिए या तो मार्केट के हिसाब से प्राइस रखिए या फिर आप जो कॉस्ट के बेस पर आप प्राइसिंग कर सकते हैं क्लियर अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस की तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में क्या हो सकता है तो देखिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को डिसाइड करने के लिए सभी को पता है कि नॉर्मली यहाँ पे मेथड क्या होता है कि भाई आप जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं फिर आप डायरेक्टली जो है कस्टमर को सेल कर सकते हैं या फिर आप होल सेलर रिटेलर जॉबर के थ्रू फिर कस्टमर को सेल करेंगे क्लियर यही डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में क्या होता है तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेलर इंटरनेशनल मार्केटिंग हेडक्वार्टर होता है यानी कि जो ग्लोबली काम कर रहा है तो अलग अलग कंट्री में कर रहा है तो उसका एक हेडक्वार्टर भी होगा तो हेडक्वाटर और जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है और जो इंटरनेशनल डिवीज़न होता है वो तीनों मिलकर जो है डिसाइड करते हैं कि उनका मार्केटिंग चैनल कैसा होगा दूसरे में आता है कि आपको जो है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में यानी क्रॉस बॉडर जो है अपने प्रोडक्ट को भेजना है तो उसके लिए आपको एजेंट चाहिए होंगे ट्रेडिंग कंपनीज़ चाहिए होंगी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हवा के रास्ते यानी कि बाई एयर भेज रहे हैं फिर समुद्र के जरिए भेज रहे हैं फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए कंपनी चाहिए होती हैं तो उन सब चीज़ों को जो है आपको डिसाइड करना पड़ता है और फिर तीसरे में क्या जाता है चैनल विद इन द फॉरन नेशन अब अपने प्रोडक्ट को अपने दूसरे कंट्री में तो पहुँचा दिया एक्सपोर्ट कर दिया लेकिन अब वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स तक पहुँचाने के लिए आपका क्या चैनल होगा तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है पहले लेवल पर तो जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होता है एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल डिवीजन वो तीनों मिलकर चैनल को डिसाइड करते हैं मार्केटिंग एवरेज को डिसाइड करते हैं दूसरे लेवल पे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट जाएगा कैसे और तीसरे लेवल पे उस कंट्री में जो प्रोडक्ट हमारा पहुंच गया वो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे उसके लिए चैनल तो इन तीन लेवल पर जो है चैनल को यहाँ पर डिसाइड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटी यहाँ पर बनाई जाती है वैन मल्टी नेशनल फर्स्ट इंटर ए कंट्री दे प्रीफर टू वर्क विथ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर विथ गुड लोकल नॉलेज तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब नॉर्मली कोई मल्टी नेशनल कंपनी होती है वो पहली बार किसी दूसरी कंट्री में एंटर करती है तो वो वहाँ के लोकल जो चैनल होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको प्रिफर करती है पहले क्योंकि उनको उस मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है फिर धीरे धीरे जब उनका नॉलेज अपडेट हो जाता है तो खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट कर देते हैं क्लियर तो ये प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन यानी कि ग्लोबल फोर पी हो गया प्रोडक्ट में स्टैंड डाइज कर सकते हैं फिर अडॉप्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन में उनको अडॉप्ट करना पड़ता है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है लैंग्वेज होता है वहीं पर प्राइसिंग में या तो सेम प्राइस रखें या फिर कॉस्ट के हिसाब से प्राइस हैं या फिर जो मार्केट कंडीशन है उस कंट्री की उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस को फिक्स कर सकते हैं वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे जाएगा उसका चैनल डिसाइड किया जाता है और उस कंट्री में जब कोई पर्टिकुलर दूसरी कंट्री उस कंट्री के कस्टमर के पास कैसे जाएगा प्रोडक्ट वो चैनल डिसाइड करना होता है अब बात कर लें कि प्रोसेस क्या है ग्लोबल मार्केटिंग का तो देखिए सबसे पहले आप कोई भी कंपनी है तो सबसे पहले क्या करती है डोमेस्टिक लेवल पर काम करती है डोमेस्टिक मार्केटिंग करती है यानी कि अपने कंट्री के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है उसके बाद धीरे धीरे जब उसका मार्केट बड़ा होने लगता है उसका बिजनेस बढ़ने लगता है तो वो फिर क्या करती है एक्सपोर्ट करने लगती है एक्सपोर्ट अब एक्सपोर्ट में भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट यानी कि एक्सपोर्ट तो कर रही है लेकिन किसी एजेंट के जरिए जो है एक्सपोर्ट कर रही है और डायरेक्ट यानी कि खुद ही एक्सपोर्ट कर रही है ठीक है तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग यानी कि जब आप एक्सपोर्ट क्या है यहीं से शुरुआत होता है आप इंटरनेशनल यानी कि अपने कंट्री से बाहर जा रहे हो क्लियर एक्सपोर्ट करना जैसे शुरू कर दे तो आप आप जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग करने लगे इंटरनेशनल मार्केटिंग करने लग जाते हैं ठीक है फिर इंटरनेशनल मार्केट यानी कि एक अपने कंट्री के अलावा भी आप किसी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्लियर अब फिर जब धीरे धीरे आप अपना जो है दायरा बढ़ाते हैं आप एक से ज्यादा कंट्रीज में सेल करने लगते हैं तो वो मल्टी नेशनल होता है और जब आप सभी कंट्रीज में तकरीबन आप जो है अपना प्रोडक्ट को सेल करने लगते हैं तो क्या हो जाता है ग्लोबल मार्केटिंग हो जाता है तो यही प्रोसेस है ग्लोबल मार्केटिंग यानी कि अगर आपको ग्लोबल करना है तो पहले डोमेस्टिक से शुरू करिए एक्सपोर्ट करिए इंटरनेशनल में जाइए फिर मल्टी में जाइए फिर जो है ग्लोबली आप ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं अब बात आता है कि ग्लोबल मार्केटिंग में कि आपको इंटर कैसे करना है देखिए ग्लोबल मार्केट में एंटर करने के दो स्ट्रेटजी हो सकते हैं दो स्ट्रेटजी क्लियर पहला क्या है वाटरफॉल वाटरफॉल में क्या होता है कि यहां पे आप ग्रेजुअली एंटर करते हो एक एक कंट्री में करके यानी कि पहले आप इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किए डोमेस्टिक लेवल पर फिर आप जो है अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट कर दिए फिर आप जो है चाइना में कर दिए फिर आप जो है पाकिस्तान में कर दिए फिर आप जो है बांग्लादेश में कर दिए यानी कि वाटरफॉल की तरह जो है आप एक सिक्वेंस में एक एक कंट्री में एंटर करते हैं वहीं पर दूसरा मेथड क्या है स्प्रिंकल स्प्रिंकल

बहुत सारे ऐसे जो है इंटरमीडियस होते हैं जो एक्सपोर्ट का ही काम करते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करवाते हैं तो वो आप उनके जरिए जो है अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग डोमेस्टिक बेस्ड एक्सपोर्ट मर्चेंट होते हैं बाय द मैनुफेक्चर्स प्रोडक्ट एंड देन सेल देम एब्रॉट वो मैनुफेक्चर्स यानी कि हमारे कंट्री से प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे और उसके बाद जाकर दूसरी कंट्री में भेजेंगे तो ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो गया तो इसके जरिए आप जो है इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबल मार्केट में एंटर कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या हो कि आप मर्चेंट का यूज नहीं करते हो इंटरमीडिएट का यूज नहीं करते हो एक्सपोर्ट करने के लिए आप खुद ही अपना प्लांट ओपन कर देते हो ब्रांच ओपन कर देते हो और वही एक्सपोर्ट करते हैं देयर ऑन एक्सपोर्ट यानी कि खुद का एक्सपोर्ट करते हो द इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क आर सम वाट ग्रेटर यहां पर इन्वेस्टमेंट या फिर जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है बट अब खुद कर रहे हैं तो रिस्क भी ज्यादा होगा और यहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आपको ज्यादा चाहिए होगा इन डायरेक्ट में क्या होता है कि ऑलरेडी कोई मर्चेंट था हमने खाली अपना प्रोडक्ट उसको बेच दिया वो अपना हमारा प्रोडक्ट जो है फॉरन मार्केट में जाकर सेल कर देगा क्लियर तो दो टेक्निक पहले हो गए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अब तीसरा मेथड है लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग में क्या होता है कि आप लाइसेंस दे दीजिए बाहर किसी कंट्री में किसी मैन्युफैक्चरर को अपना लाइसेंस दे दीजिए अपना ट्रेडमार्क अपना प्रोसेस अपना पेटेंट दे दीजिए उसको वो आपके नाम पे वहाँ आपका नाम यूज़ करके जो है वहाँ पर बिजनेस करेगा तो आप क्या कि इनडायरेक्टली वहाँ पर भी एंटर कर गए तो लाइसेंसर इशू ए लाइसेंस टू ए फॉरन कंपनी टू यूज़ ए मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रेडमार्क पेटेंट ट्रेड सीक्रेट और अदर आइटम ऑफ वैल्यू फॉर अ फ्री और रॉयल्टी यानी कि आप फ्री में भी दे सकते हो या फिर उसके बदले उसे कुछ कमीशन पैसा चार्ज कर सकते हैं ठीक है तो इसके जरिए भी जो है आप घुस सकते हैं द लाइसेंसर गेंस एंट्री एट एटलेटर आसानी से लाइसेंसर को उस कंट्री में जो है एंट्री मिल गई एंड द लाइसेंसी गेंस प्रोडक्शन एक्सपर्टीज़ और वेल नॉन प्रोडक्ट और ब्रांड नेम अब उसको क्या मिला उसको एक प्रोडक्ट का ब्रांड नेम मिल गया वो आसानी से अपने यहाँ पे बिजनेस कर सकता है तो लाइसेंसिंग के जरिए भी हम ग्लोबल मार्केट में एंटर कर सकते हैं देन मेथड आता है ज्वाइंट वेंचरिंग ज्वाइंट वेंचरिंग मतलब कि दो लोग मिलकर काम करते हैं तो यानी कि दूसरे कंट्री का कोई मैनुफैक्चर है और हमारी कंट्री का कोई मैनुफैक्चर है दोनों मिलकर जो है कोई बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं किसी कंट्री में तो वो चीज़ क्या कहलाइ ज्वाइंट वेंचरिंग mm -hmm. क्लियर ज्वाइनिंग विद फॉरन कंपनीज टू तो प्रोड्यूस और मार्केट प्रोडक्ट और सर्विस तो कुछ नया बनाने के लिए या फिर मार्केट या तो प्रोडक्ट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जब आप दो लोग दो डिफरेंट कंट्रीज के कंपनीज मिल जाते हैं तो यही चीज़ क्या कहलाती है ज्वाइंट वेंचरिंग कहलाती है तो यहाँ पर अलग अलग तरीके जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग होता है एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विद मैनुफैक्चर्स इन अ फॉरन मार्केट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और प्रोवाइड इट्स सर्विस यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी दूसरे कंट्री के जो मैन्यूफेक्चर्स होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग हो गया इसी तरीके से मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग आता है यहां पर क्या होता है कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो नो हाउ सर्विस प्रोवाइड करते हो दूसरे कंट्री के जो ऑर्गेइजेशन होते हैं उनको तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग वहीं पर ज्वाइंट ऑनरशिप होता है ज्वाइंट ऑनरशिप यानी कि कंपनी ज्वाइंट इन्वेस्टर्स इन अ फॉरन मार्केट टू क्रिएट अ लोकल बिजनेस इन विच द कंपनी शेयर ज्वाइंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी ज्वाइंट इन्वेस्टर्स आप इन्वेस्टर्स को ज्वाइंट कर लेते हो तो वहां पर ऑनरशि भी आपके बताबर से बात है भाई किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ऑनरशिप भी आपके पास आती है तो जॉइंट ऑनरशिप क्लियर वहीं पर जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि फॉरन कंपनी कैन बाई अ पार्ट और फुल इंटरेस्ट इन अ लोकल कंपनी और बिल्ड इट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस फैसिलिटी यानी कि किसी कंपनी में आपने जाके कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर आपने कोई अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहां पे खड़ी कर दिया फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है खड़ी कर दी तो उसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि आपने सुना होगा आजकल एफ आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरन कंट्री में आप जाके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो देखिए आसान नहीं होता है किसी दूसरे में कंट्री में जाके काम कर लेना तो इसके लिए क्या किया गया डब्लू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा तो अलग अलग कंट्रीज़ में लोग बिजनेस कर सकें इसलिए डब्ल्यू टी ओ जो है ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसके थ्रू जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस करना आसान हो जाता है जो रूल रेगुलेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको उसमें लीनेंसी मिलती है फायदा मिलता है छूट मिलती है तो ये होता है पूरा ग्लोबल मार्केटिंग ग्लोबल मार्केटिंग कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब कोई कंपनी अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जाके अलग अलग कंट्रीज में जाके बिजनेस परफॉर्म करती है तो चीज़ ग्लोबल मार्केटिंग कहलाती है उसके लिए वो खुद का ही प्रोडक्ट जो अपनी डोमेस्टिक लेवल बना रही है वही प्रोडक्ट सभी कंट्रीज़ में बेच सकते हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज में जाकर उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाकर उसको बेच सकती है क्लियर विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग